Consider two voltages V1 of t and V2 of t, whose expressions are as shown below. Which of the following statements are correct? Hello everyone, welcome to Singularity. आज का दिल्ली दोस्त का क्वेश्चन बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ लीड एंड लैग. दो वोल्टेज गिवन है, आपको बताना है कि कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, कितने डिग्री से लैग कर रहा है. चार स्टेटमेंट्स है, उसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है उसको पूछा है. ठीक है, सो यूजुअली काफी सारे मेथड्स होते हैं इस चीज को करने के लिए, लेकिन मैं आपको बस एक मेथड सजेस्ट करूंगा जो मैं आपको दिखाने वाला हूं. वो मेथड बड़ा ही कारगर है सर, उसका यूज क्या करो, बस लीड लैग के लिए नहीं, आपको काफी ज्यादा फायदा देगा वो, मैं दिखाऊंगा आपको. तो चलो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करें तो हम क्या करेंगे, इस तरह हम ड्रॉ कर लेंगे, यहां लिख लेंगे प्लस कॉस, यहां पे माइनस कॉस, ऊपर में माइनस साइन, नीचे में प्लस साइन. ठीक है, इस तरह लिख लिया. अब V1 को प्लॉट करेंगे. V1 क्या है सर, मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड जितना भी है डजंट मैटर, क्या लिखा है कॉस, प्लस कॉस. तो यहां फिर फेज देखो माइनस 60, तो यहां से माइनस 60, माइनस मतलब नीचे जाना है क्लॉकवाइज. तो V1 सर यहां पे 60 डिग्री कहीं यहां होगा, मान लो 60 डिग्री, तो ये हो गया सर आपका V1. सिमिलरली V2 माइनस साइन ऊपर, माइनस साइन और फेस माइनस 30, मतलब यहां से 30 डिग्री माइनस, मतलब इधर 30 डिग्री माइनस इधर, तो ये हो गया आपका V2. इसका एम्पलीट्यूड कितना है वगैरह वगैरह हमको वो जरूरत नहीं है, हमको तो पता करना है कितना लीड कितना लैग, करेक्ट. तो ये हो गया सर 30 डिग्री. अब V1 और V2 के बीच का एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं. ये अगर 60 है और ये अगर 30 है तो ये कितना होगा, टोटल 90 होता है, तो ये भी 60 होगा फिर, है ना, ये भी 60 होगा. तो 60 + 60 = 120. तो V1 और V2 का बीच का एंगल की बात करें तो ये सर 120 डिग्री है, है ना, ये 120 डिग्री है यहां से यहां तक 120 डिग्री. अब जो आगे है ना क्लॉकवाइज देखेंगे, हमेशा इस तरफ हम लोग का क्लॉकवाइज देखेंगे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे. अब देखो V2 V1 से आगे है सर, लीड कर रहा है, तो V2 लीड्स V1 बाय 120 डिग्री. ठीक है, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन और अगर देखें ना, मैंने क्या बोला था, एंटी क्लॉकवाइज अगर देखे तो V1 V2 से बड़ा, हमको एंटी क्लॉकवाइज ही देखना होता है. तो अगर V2 से आगे देखूं तो V2 से आगे एंटी क्लॉकवाइज, तो V1 भी तो आगे ही है. अगर इधर से देखो, पहले यहां से देखा था आगे है, तो यहां से आगे देखा तो V1 भी तो आगे ही है. और ये अगर 120 डिग्री है तो ये कितना होगा, पूरा टोटल 360 होता है, टोटल 360 होता है, उसमें से ये 120 डिग्री, तो बचा कितना, ये 240 है ना, ये 240 डिग्री. उसका मतलब अगर मैं ये बोल दूं कि V1 लीड्स V2 बाय 240 डिग्री, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है सर, पकड़ा बात को. इसलिए मैं बोल रहा था ये मेथड काफी लोग जानते हैं इसको, लेकिन ये मेथड सबसे कारगर है सर, इसी का यूज किया करो. ओके, इन द सेम सेंस अगर मैं लैग ढूंढू, कौन लैग है ये लिख दिया तो उसका उल्टा लैग ही होता है, लेकिन फिर भी हम क्लॉकवाइज देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू V2, है ना, विद रेस्पेक्ट टू V2 क्लॉकवाइज है V1, तो हम क्या बोलेंगे, V1 लैग्स V2 बाय 120 डिग्री, है ना, V1 लैग्स V2 बाय 120 डिग्री. इन द सेम सेंस V1 के रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज देखो तो V2 लैग हो रहा है कितने से, 240. तो सिमिलरली हम यहां बोल सकते हैं V2 लैग्स V1 बाय 240 डिग्री, ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट है सर.
ऑप्शन ए बी सी डी चारों करेक्ट है, ठीक है। तो किसी और मेथड का यूज करोगे तो इतने आसानी से ये नहीं दिखेगा, है ना। दोनों में से दो दिखेंगे, चारों में से दो दिखेंगे, चारों एक साथ इतने आसानी से नहीं दिखेंगे। इसीलिए मैं बोला सबसे कारगर ये फॉर्मूला है, ये मेथड है। तो ऑप्शन ए बी सी डी चारों करेक्ट है। अब एक इस फिगर का बड़ा ही यूज कर सकते हैं हम। इस फिगर को मैं यहां में वापस से ड्रॉ कर देता हूं। प्लस कॉस माइनस कॉस, ध्यान देना ऊपर में माइनस साइन है, नीचे में प्लस साइन। ओके, अब यूजुअली हम इस ऐसे फॉर्मूले से एनकाउंटर करते हैं ना, ये थीटा प्लस पाई, थीटा प्लस पाई, इस तरह यूजुअली बच्चों को याद रहता है। लेकिन इसको अगर भूल जाओ, है ना, अगर भूल जाओ तो बड़े आसानी से यहां से कर सकते हो। देखो कॉस थीटा, कॉस है तो प्लस कॉस यहां पे पहुंचे, प्लस पाई, प्लस मतलब ऊपर जाना है, पाई मतलब 180 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, तो इसका रिजल्ट कितना है, माइनस कॉस थीटा है तो थीटा, है ना, माइनस कॉस थीटा है तो थीटा, ये होता है आंसर। या सेम सेंस अगर ये आ जाए थीटा प्लस पाई बाय टू, प्लस पाई बाय टू, तो अगर आप भूल जाओ, इसका रिजल्ट याद रखते हैं बच्चे, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं, वापस से वही बात, प्लस कॉस और फेस कितना है, प्लस 90, प्लस 90 यहां पहुंचे, कहां पहुंचे, माइनस साइन, तो इसका आंसर है माइनस साइन थीटा, है ना। अब याद रखने का झंझट ही खत्म, बस इस फिगर को याद रखो, ऊपर में साइन है, यहां में ऊपर माइनस साइन है, नीचे में प्लस साइन, है ना, इस बात का ख्याल रखना, प्लस कॉस माइनस कॉस, बस इसको यूज करो। और ऐसा जब भी आए, मैं सारे एंगल के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर, सारे एंगल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पाई पाई बाय टू ये सब आपको याद रखना पड़ता है ना, भूल भी जाओ या फिर याद मत भी रखो तो बड़े आसानी से यहां से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सभी को एडवाइस करता हूं, याद रहता है तो अच्छी बात है, लेकिन बैठ के याद करने की कोई नीड नहीं है आपको, आप यहां से निकाल सकते हो बड़े आसानी से। सिमिलरली अगर मैं ये बोलूं साइन थीटा माइनस पाई बाय टू, साइन थीटा माइनस पाई बाय टू, प्लस साइन यहां, माइनस पाई मतलब क्लॉकवाइज घूमो, यहां कहां पहुंचे, माइनस कॉस पे, है ना, तो माइनस कॉस थीटा। इस तरह आप कोई भी कॉम्बिनेशन पाई टू पाई, है ना, पाई 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 बाय टू, टू पाई, थ्री पाई, जितना भी है, जितना भी मल्टीपल सब पाई बाय टू है, जितना भी क्या बोला मैंने, जितना भी मल्टीपल सब पाई बाय टू है, तो इस तरह आप निकाल सकते हो इसका यूज करके, ठीक है। तो ये बड़ा ही कारगर है, इसको यूज किया करो, ठीक है, बड़ा अच्छा है। चलो फिर क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन ए बी सी डी चारों करेक्ट है, और ये ऑप्शन ए बी सी डी चारों करेक्ट इतने आसानी से तभी दिखेंगे जब आप इस मेथड का यूज करोगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक यू।